हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी डीप। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चन लेके आऊँगी, जो भी करंट अफेयर्स हमने पढ़े हैं अब तक उसके। तो हमने क्योंकि 25 से स्टार्ट की थी क्लासेस, तो हम 25 से और आज 28 तक के एमसीक्यू क्वेश्चंस देखेंगे यहाँ पे। लेकिन उससे पहले मैं कुछ न्यूज़ है जो मैं आपको करंट अफेयर जो क्लास है उनमें कवर नहीं कर पाई थी, तो उनको मैं यहाँ पे कवर कर देती हूँ। ये आज की और कल की ही न्यूज़ हैं, तो वो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। कुछ 4-5 न्यूज़ हैं वो। तो फर्स्ट है हमारी, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, वो जापान गए हैं कल, भारत जापान की एनुअल समिट के लिए। ठीक है, एनुअल समिट के लिए गए हैं। ये जो एनुअल समिट है इस बार, ये 30th नंबर की एनुअल समिट है, 13वें नंबर की एनुअल समिट है। इसमें हिस्सा लेने गए हैं प्रधानमंत्री मोदी जी जापान, और ये 2 दिन की होगी, 2 दिन समिट होगी ये। आज होगी संडे को और कल होगी मंडे को। ठीक है, 2 दिन चलेगी ये समिट। और इसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जो काउंटर पार्ट हैं जापान में, मतलब वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं सिंजो आबे, उनके साथ 2 दिन तक जो भारत और जापान के रिश्ते को और कैसे गहरा कर सकते हैं, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। तो ये एक एनुअल समिट होती है भारत और जापान के बीच में, जो इस बार हो रही है 20 और 29 अक्टूबर को। ठीक है, कल गए थे प्रधानमंत्री मोदी जी जापान, और कल परसों, आज और कल ये समिट चलेगी। ये 13वें नंबर की समिट है। ठीक है, शिंजो आबे वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ इस बारे में बातचीत की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं जिनका नाम है मदन लाल खुराना। ठीक है, ये भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं मदन लाल खुराना, इनका कल रात को निधन हो गया था। ठीक है, और दिल्ली में ये 82 इयर्स के थे, और ये जो हैं मदन लाल खुराना, ये 1993 से 1996 तक दिल्ली के चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इसके अलावा 2004 में लगभग 9 महीने के लिए ये जो राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, तो इनका कल रात को निधन हो गया था दिल्ली में, मदन लाल खुराना, जो कि भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, 82 इयर्स के थे, 1993 से 1996 तक ये न्यू दिल्ली के सीएम रह चुके हैं, और 2004 में लगभग 9 महीने के लिए ये राजस्थान के गवर्नर भी रह चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा न्यूज़ है नेक्स्ट, स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, ये क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी? जैसे कि आपको पता है, मैंने आज भी आपको बताया था सुबह, कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन आ रहा है 31 अक्टूबर को। तो ये जो स्टैचू है, स्टैचू ऑफ यूनिटी, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्टैचू है, एक प्रतिमा है, और ये दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा होगी, टॉलेस्ट स्टैचू होगा वर्ल्ड का। ठीक है, ये जो स्टैचू है ये गुजरात में है, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, इसका इनॉग्रेशन होगा 31 अक्टूबर को, और कौन करेगा? हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी। ठीक है, ये गुजरात में है, और गुजरात में कहाँ है? सरदार सरोवर डैम के पास। ठीक है, और इसके चारों ओर जो है, ये जो प्रतिमा है, इसके चारों ओर 12 स्क्वायर किलोमीटर का एक आर्टिफिशियल लेक भी बनाई गई है। और ये जो स्टैचू है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट टॉलेस्ट स्टैचू है, और इसकी जो हाइट होगी ये है 597 फीट। ठीक है, हाइट है 597 फीट, और जो इसका बेस है वो होगा 790 फीट, और इस बेस के चारों तरफ है 12 किलोमीटर एरिया में आर्टिफिशियल लेक। ये जो स्टैचू है इसका कार्य जो शुरू हुआ था 2013 से स्टार्ट हुआ था, 31 अक्टूबर 2013 से, और मिड अक्टूबर 2018 में जाके ये ख़त्म हुआ है, और इसका इनॉग्रेशन होगा 31 अक्टूबर को, जब इनका जन्मदिन आता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उस दिन इसका इनॉग्रेशन होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, और ये कहाँ पर है? गुजरात में। ठीक है, इसके अलावा एक न्यूज़ और है लास्ट। आपको पता है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप चल रही है, WWC,
ठीक है, वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप चल रही है 2018 की, जो कि 15th एडिशन है, ठीक है, और ये 20 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था और आज 28 अक्टूबर को ख़त्म हुआ है, ठीक है। और कहाँ पे हो रहा है ये हो रहा है बुदापेस्ट हंगरी में, बुदापेस्ट हंगरी की जो कैपिटल है वहाँ पे ये हो रहा है वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, ठीक है। अब ये जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप है ये 1904 में स्टार्ट हुई थी और इसके बाद 1951 में जो मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग है टूर्नामेंट, मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट, उसको यहाँ पे 1951 में स्टार्ट किया था। और जो वुमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग है उसको 1987 में स्टार्ट किया गया था। वुमेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट हुआ था 1987 में और मेंस फ्री स्टाइल रेसलिंग टूर्नामेंट स्टार्ट हुआ था 1951 में और WWC स्टार्ट हुआ था 1904 में। WWC इज़ वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप। ये जो हो रही है 2018 में बुदापेस्ट में, इसमें फर्स्ट नंबर पे आया है जापान, जिसने 10 मेडल जीते हैं जिसमें से 5 जीते हैं गोल्ड, 1 जीता है सिल्वर और 4 जीते हैं ब्रॉन्ज, ठीक है। सेकंड नंबर पे आया है रशिया विद 8 मेडल्स और जो हमारा इंडिया है ये आया है नंबर 17 पे, ठीक है। और इसमें सिर्फ 2 मेडल्स जीते हैं इंडिया की तरफ से, 1 जीता है सिल्वर और 1 जीता है ब्रॉन्ज, ठीक है। अब ये जो सिल्वर मेडल जीता है ये जीता है बजरंग पूनिया ने, ठीक है, बजरंग पूनिया ने जीता है ये सिल्वर मेडल। जो बजरंग पूनिया है ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, ठीक है, हरियाणा से बिलोंग करते हैं और ये एक फ्री स्टाइल रेसलर हैं। 2013 का जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी उसमें इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। इसके अलावा 2014 में जो एशियन गेम्स हुए थे और जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2018 में ये जो कॉमनवेल्थ हुए थे और अभी जो रिसेंटली एशियन गेम्स हुए हैं उसमें इन्होंने जीता है गोल्ड मेडल। तो अभी जो एशियन गेम्स हुए थे उनमें पहला गोल्ड मेडल जो इंडिया की तरफ से जीता गया था वो इन्हीं के द्वारा जीता गया था, बजरंग पूनिया के द्वारा, ठीक है। तो अब जो वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में इंडिया ने 2 मेडल जीते हैं उनमें एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, तो सिल्वर मेडल जीता है बजरंग पूनिया ने फ्री स्टाइल रेसलिंग में, ये हरियाणा से हैं। 2013 में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, 2014 के एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2018 के कॉमनवेल्थ और एशियन गेम्स में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब बात आती है ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, क्योंकि एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज, दो ही मेडल जीते हैं इंडिया ने, 17वें नंबर पे आई है। जो ब्रॉन्ज मेडल जीता है वो जीता है पूजा धांडा, ये भी हरियाणा से ही हैं, ठीक है, ये भी हरियाणा से ही बिलोंग करती हैं। और ये जो है पूजा धांडा ये 4th इंडियन वुमेन बन गई हैं वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाली, 4th इंडियन वुमेन। इनसे पहले किसने जीता है, इनसे पहले 2006 में जीता था अलका तोमर ने, ठीक है। और 2012 में जो हुए थे वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप उसमें 2 लोगों ने जीता था ब्रॉन्ज, एक थी गीता फोगट और एक इन्हीं की जो बहन है बबीता फोगट, इन दोनों ने जीता था ब्रॉन्ज, ठीक है, 2012 के वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में, और 2006 में जीता था अलका तोमर ने। और ये बनी है 4th वुमेन वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप में मेडल जीतने वाली पूजा धांडा, जो हरियाणा से हैं, ठीक है। इसके अलावा पूजा धांडा जो हैं इन्होंने 2018 के जो कॉमनवेल्थ गेम हुए हैं उनमें सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। तो ये थे हमारे वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप के बारे में, जो 15th एडिशन हुआ है बुदापेस्ट में हंगरी में, और
फर्स्ट नंबर पे आई है जापान 10 मेडल्स के साथ, दूसरे नंबर पे है रसिया 8 मेडल्स के साथ, और इंडिया है 17वें नंबर पे 2 मेडल्स के साथ, एक सिल्वर और एक ब्रॉन्ज। सिल्वर जीता है बजरंग पूनिया ने जो हरियाणा से हैं, और ब्रॉन्ज जीता है पूजा डांडा ने जो भी हरियाणा से हैं। तो ये कहाँ से हैं ये याद रखना, क्योंकि पूछ लिया जाता है, और दोनों ही फ्री स्टाइल रेसलर हैं, ठीक है। और पूजा डांडा बनी है 4th वुमेन जीतने वाली, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी हमारी जो मुझे बतानी थी आपको। अब हम देख लेते हैं हमारे जो MCQ क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन चूजन फॉर द 2018 सियोल पीस प्राइज़। तो ये मैंने आपको बताया था कि जो सियोल पीस प्राइज़ है, ये दुनिया में आर्थिक विकास में योगदान, वैश्विक शांति और मानव विकास में सुधार के लिए दिया जाता है, और इसके लिए 2018 में 1300 नॉमिनेशंस आए थे इस पीस प्राइज़ के लिए, लेकिन सियोल पीस प्राइज़ कमेटी ने डिसाइड किया कि जो 2018 का सियोल पीस प्राइज़ है वो श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया जाएगा। तो हमारा सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ इज़ द वेन्यू ऑफ 2018 वेटेक्स वाटर एनर्जी टेक्नोलॉजी एंड एनवायरनमेंट एग्जीबिशन। ये हमने आज ही पढ़ा है वेटेक्स के बारे में। ये वेटेक्स जो है ये 20th एडिशन है इस बार का, और ये कहाँ पे हुआ है इसका वेन्यू, इसका वेन्यू है दुबई में, ठीक है। नेक्स्ट है, विच इंडियन पर्सनैलिटी हैज़ बीन क्राउंड द मिस डीफ एशिया 2018। तो मिस डीफ एशिया बनी है निष्ठा दुदेजा, ये फर्स्ट इंडियन है ये टाइटल जीतने वाली। इससे पहले ये मिस डीफ इंडिया भी रह चुकी हैं फरवरी 2018 में, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, विच इंडियन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ वॉन द 2018 UN अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन प्रमोटिंग इन्वेस्ट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस बार का जो UN अवार्ड दिया गया है इन्वेस्टमेंट इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, वो इन्वेस्ट इंडिया को दिया गया है, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, इन्वेस्ट इंडिया। नेक्स्ट है, द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन स्टेटस एंड प्रोटेक्शन ऑफ कोरल रीफ्स स्टेपको 2018 वाज हेल्ड इन विच यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो मैंने आपको बताया था कि जो स्टेपको हो रही है ये हो रही है बंगाराम कोरल आइलैंड पर, बंगाराम कोरल आइलैंड पर, जो कि कहाँ पे है, लक्षद्वीप में, ठीक है, वहाँ पे हो रही है। और इस बार जो थीम थी इसकी वो है रीफ फॉर लाइफ, ठीक है, ये इस बार की थीम थी। तो हमारा सही आंसर हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आई होप मेरे आंसर बताने से पहले आप लोगों को आंसर पता होंगे कि क्या आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल हेड द ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स टू स्ट्रेंथन लीगल एंड इंस्टीट्यूशनल फार्मर वर्क्स टू डील विद द एंड प्रिवेंट सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेस। जो हमारी गवर्नमेंट है उन्होंने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बनाई है, एक कमेटी बनाई है, एक ग्रुप बनाया है, जिसमें जो सेक्सुअल हरेसमेंट होता है वुमेंस के साथ वर्क प्लेस पर, उसके लिए लीगली कोई एक्शन लिया जाएगा, उनके लिए हेल्प की जाएगी। तो इसके जो हेड होंगे वो होंगे राजनाथ सिंह, ठीक है। राजनाथ सिंह जो हैं ये हमारे होम अफेयर्स मिनिस्टर हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो ग्रुप होगा इसमें कौन कौन होगा, मेनका गांधी होंगी जो कि वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं, निर्मला सीतारमन होंगी जो कि डिफेंस मिनिस्टर है, और नितिन गडकरी होंगे जो कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं, ठीक है। नितिन गडकरी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो होंगे, ठीक है। अब देख लेते हैं, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्रोजेक्ट इन इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी ऑफ द स्कीम इम्प्रेस। इम्प्रेस इज इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेज। तो इसके लिए जो एजेंसी है इंडिया में वो है ICSSR। ICSSR इज इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, ठीक है। तो हमारा सही आंसर ये हुआ यहाँ पे ऑप्शन नंबर
सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज होल्ड देयर फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग ऑन चाबहार पोर्ट। तो चाबहार पोर्ट के बारे में आपको बताती हूँ, उससे पहले मैं आपको इसका आंसर बता देती हूँ। तो इसका आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये देखिए आप चाबहार पोर्ट, तो ये हमारा इंडिया है, ये है पाकिस्तान, ये है ईरान और ये है अफ़गानिस्तान। तो इंडिया को अफ़गानिस्तान से ट्रेड करने के लिए पाकिस्तान से होकर जाना रास्ता जाता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है एक लैंडलॉक एरिया है। लैंडलॉक एरिया यानी कि चारों तरफ लैंड है, कोई भी सी एरिया नहीं है, चारों तरफ लैंड है इसके। तो अफ़गानिस्तान में ट्रेड करने के लिए इंडिया को पाकिस्तान से होकर रास्ता जाता है, इसलिए इंडिया ने पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान का ये पोर्ट है यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, ग्वादर पोर्ट एशियन सी में ग्वादर पोर्ट है जो चाइना ने बनाया है पाकिस्तान में, इस पर वर्क करने की परमिशन मांगी थी पाकिस्तान से इंडिया ने, ताकि वो अफ़गानिस्तान से ट्रेड कर सके। लेकिन पाकिस्तान तो ठहरा पाकिस्तान, उसने इसके लिए मना कर दिया और इसकी परमिशन नहीं दी। उसके बाद इंडिया ने ईरान का जो चाबहार पोर्ट है इसके लिए ईरान से संधि कर ली, इसके लिए ईरान से एग्रीमेंट कर लिया, जो कि फरवरी 2018 में हुआ था। तो अब इंडिया अफ़गानिस्तान से जो ट्रेड करेगा वो चाबहार पोर्ट के थ्रू करेगा, चाबहार पोर्ट से अफ़गानिस्तान में ट्रेड करेगा। ठीक है, तो ये है चाबहार पोर्ट की कहानी। तो इस बार इसकी फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग हुई थी, जो कि हुई थी ईरान में। ठीक है, सॉरी, हाँ, ईरान में हुई थी वो मीटिंग। और तो ये फर्स्ट ट्राइलेटरल मीटिंग है और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, इंडिया अफगानिस्तान एंड ईरान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड द विच इंडियन कारपेट्स एक्सपो इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। तो इस बार जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इंडियन कारपेट्स एक्सपो इनॉग्रेट किया है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वो होगा नंबर 36। तो हमारा सही आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिटी इज़ द वेन्यू ऑफ फिफ्थ एडिशन ऑफ वुमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल 2018। ये हमने आज ही पढ़ा है कि जो हमारी वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं मेनका गांधी जी, उन्होंने न्यू दिल्ली में ये जो वुमेन ऑफ इंडिया नेशनल ऑर्गेनिक फेस्टिवल है 2018 का फिफ्थ एडिशन का, उसका इनॉग्रेशन किया है। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यू दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट टू इम्प्लीमेंट द स्पार्क। स्पार्क इज स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ अकेडमिक एंड रिसर्च कोलाबोरेशन प्रोग्राम। स्पार्क क्या है? स्पार्क में एक रिसर्च कोलाबोरेशन किया जाएगा इंडियन यूनिवर्सिटीज़ का, वर्ल्ड की बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ के साथ। ठीक है, तो ये मैंने जब पढ़ाया था इसमें मैंने आपको बताया था कि जो इंडिया की तरफ से जो इंस्टीट्यूट इम्प्लीमेंट करेगी इसको, वो है आईआईटी खड़गपुर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट विराट कोहली। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ ही इज़ द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 10,000 रन्स ओडीआई रन्स। यस, दिस इज़ ट्रू। हीज लास्ट 1,000 रन्स केम फ्रॉम जस्ट 11 इनिंग्स, विच इज़ ऑल्सो ए वर्ल्ड रिकॉर्ड। ये भी सही है, जो इन्होंने लास्ट 11 इनिंग्स खेली है उसमें इन्होंने 1,000 रन्स बनाए हैं, जो कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है अभी तक। ठीक है, और नेक्स्ट है, हिज स्ट्राइक रेट एट 92.5 इज़ द हाईएस्ट अमंग बैट्समैन विद 10,000 रन्स इन वन डे फॉर्मेट। जितने भी 10 खिलाड़ी हैं जिन्होंने 10,000 रन्स बनाए हैं अभी तक, उनमें सबसे ज़्यादा स्ट्राइक रेट विराट कोहली की ही है, जो है 92.5। तो ये भी एक सही ऑप्शन है, तो हमारा सही आंसर होगा ऑल आर करेक्ट। तो इन्होंने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ विशाखापट्टनम में जो मैच हुआ था उसमें अपने 10,000 रन्स बनाए थे, जिसमें इन्होंने 37वीं अपनी सेंचुरी लगाई थी। और जो कल मैच हुआ था उसमें इन्होंने फिर से एक सेंचुरी बनाई, जो कि 38 सेंचुरी है इनकी, और इसमें इन्होंने अपनी सेंचुरी की हैट्रिक भी बना ली है, लगातार 3 मैचों में 3 सेंचुरी बना ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल। तो राजनाथ सिंह इज़ द होम मिनिस्टर, मेनका संजय गांधी इज़ द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, डॉक्टर हर्षवर्धन जो हैं ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हैं, अर्थ साइंस मिनिस्टर हैं, और इसके अलावा एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्टर हैं। तो टेक्सटाइल मिनिस्टर कौन बचता है हमारा? स्मृति जुबीन ईरानी। और स्मृति जुबीन ईरानी जो हैं टेक्सटाइल मिनिस्टर होने के अलावा इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर भी हैं। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन मैजिक 19
2-week joint military exercise is between which of the following country? तो मैंने बताया था आर्यन मैजिक 19 एक 2-week joint military exercise start हुई है कहाँ पे? अरेबियन गल्फ में. तो ये किस किस के बीच हो रही है? ये हो रही है UAE और US के बीच में, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ कैमेरॉन? तो कैमेरॉन के प्रेसिडेंट बने हैं लगातार 7वीं बार, ये हैं पॉल बिया, ठीक है. और जो मोहम्मद अशरफ घानी हैं ये अफगानिस्तान के प्राइम प्रेसिडेंट हैं, अब्दुल हमिद बांग्लादेश के प्रेसिडेंट हैं और अब्दुल फतेह अल सीसी इजिप्ट के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है. नेक्स्ट है, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉल बिया. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द नेक्स्ट एडिटर ऑफ द हिंदू? तो द हिंदू के जो नेक्स्ट एडिटर बने हैं वो बने हैं ऑप्शन नंबर बी, सुरेश नामबात. और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मुकुंद पद्मना भान को. मुकुंद पद्मना भान को इन्होंने रिप्लेस करके जो नए एडिटर बने हैं ये हैं सुरेश नामबात, ठीक है. नेक्स्ट है, व्हाट वाज द थीम ऑफ यूनाइटेड नेशंस डे 2018? जो 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे मनाया जाता है उसकी थीम क्या थी इस बार? उसकी थीम क्या ओवरव्यू ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस थी, एक्सप्रेशन ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, ट्रेडिशंस ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस, इट्स टाइम टू टेक एक्शन फॉर पीस एंड नॉन वायलेंस. तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, ट्रेडिशंस ऑफ पीस एंड नॉन वायलेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सपांड द सागर. सागर क्या है? सागर मैंने आपको बताया था कि ये 3 डे का एक होगा जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर वेंकैया नायडू ने इनॉग्रेट किया है गोवा में. तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटी एंड ग्रोथ इन द रूरल एरिया, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सिक्योरिटाइजेशन एंड ग्रोथ इन रूरल एरिया, सिक्योरिटी एंड गुड हेल्थ फॉर ऑल इन द रीजन. तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड कस्टमर सर्विस ऐप लॉन्च्ड बाय हुम? तो खुशी एक कस्टमर असिस्टेंस है जो कि लॉन्च किया है PNB MetLife ने, ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ डील साइन बिटवीन इंडिया एंड इसराइल फॉर इसराइली मिसाइल डिफेंस सिस्टम? तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में दिया है $77 बिलियन, ऑप्शन नंबर बी इज $666 बिलियन, ऑप्शन नंबर सी $777 मिलियन एंड ऑप्शन नंबर डी $666 मिलियन. तो अब यहाँ पर $77 यहाँ भी है, $77 यहाँ भी है, मैं याद है सिर्फ $77. तो अब आप ऑप्शन नंबर ए में बिलियन देख के इसे सही मत कर आना, क्योंकि बिलियन नहीं मिलियन में डील हुई है जो कि $77 मिलियन है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ बैन द सेल ऑफ ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड? तो ग्लाइफोसेट हर्बिसाइड जो है ये कैंसर कॉज करती हैं, ठीक है. तो इसको अभी रिसेंटली किसने बैन किया है? पंजाब गवर्नमेंट ने, और इससे पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना और महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी इसको बैन कर दिया है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट बैन द सेल ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मोटर व्हीकल्स कन्फर्मिंग टू द एमिशन स्टैंडर्ड भारत स्टेज 4 इन द एंटायर कंट्री फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, 2021, 2022 और 2023. तो 1 अप्रैल 2020 से जो भारत स्टेज 4 के व्हीकल्स हैं उनका रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया जाएगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौरभ कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री? तो सौरभ कुमार जो हैं ये अभी एक एम्बेसडर के रूप में वर्क कर रहे हैं फॉर ईरान. रिसेंटली ये वर्क कर रहे हैं ईरान के एम्बेसडर के रूप में, और अब इनको अपॉइंट कर दिया गया है म्यांमार के एम्बेसडर के रूप में. और जो म्यांमार के अभी जो थे पहले एम्बेसडर म्यांमार के वो थे विक्रम मिश्री, ठीक है. और अब विक्रम मिश्री को बना दिया गया है चाइना का एम्बेसडर, ठीक है. तो सौरभ कुमार पहले थे ईरान के, अब बन गए हैं म्यांमार के, और जो म्यांमार के थे पहले विक्रम मिश्री वो अब बन गए हैं चाइना के. तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्वेन ब्रेवो हैज़ अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो जो ड्वेन ब्रेवो हैं जो 35 साल के थे, जो इन्होंने रिटायरमेंट अनाउंस किया है इंटरनेशनल क्रिकेट से, तो ये वेस्ट इंडीज़ के
प्लेयर हैं। इन्होंने जो लास्ट मैच खेला था वेस्ट इंडीज़ की तरफ से वो 2016 में खेला था। इसके अलावा ये लीग क्रिकेट मैच में खेलना अपना जारी रखेंगे, जैसे कि इंडिया में होता है IPL, वैसे ही और भी कंट्रीज़ में जो होते हैं उनमें ये खेलना जारी रखेंगे, लेकिन एज ए वेस्ट इंडीज़ प्लेयर अब ये नहीं खेलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री इज़ होस्टिंग द नाटोज मिलिट्री एक्सरसाइज ट्राइडेंट जंक्चर 2018। ये मैंने आज ही बताया कि ये नाटो की सबसे बड़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, ठीक है, जो जिसका नाम है ट्राइडेंट जंक्चर 2018। तो ये कहाँ हो रही है? नॉर्वे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द IATA इंडिया विल बिकम वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट एविएशन मार्केट बाई विच ईयर। तो इंडिया 2024 तक थर्ड लार्जेस्ट मार्केट बन जाएगा, और अभी है US, चाइना और UK हैं टॉप थ्री में। अब 2024 तक IATA ने कहा है कि इंडिया जो है UK को पीछे छोड़कर आगे आ जाएगा थर्ड नंबर पर, और UK चला जाएगा फोर्थ नंबर पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम डायरेक्टर ऑफ CBI। तो CBI के इंटरिम डायरेक्टर बने हैं एम नागेश्वर राव। इन्होंने जो राजेश अस्थाना थे पहले CBI डायरेक्टर, उनको और आलोक वर्मा, इन दोनों को हटा दिया गया है, क्योंकि CBI के ही एक सीनियर ऑफिसर ने इन पर करप्शन का चार्ज लगाया था, उसके बाद से इन दोनों को हटा दिया गया है और एम नागेश्वर राव को इंटरिम डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया गया है विद इमीडिएट इफेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड पशु संजीवनी सेवा लाइफ स्टॉक वेटरनिटी स्कीम। तो ये एक स्कीम है जो उस स्टेट के जो पशु हैं उनका ध्यान रखने के लिए, उनका इलाज करने के लिए बनाया गया है। तो ये स्कीम किसने लॉन्च की है? ये स्कीम की है हरियाणा के स्टेट ने। ठीक है, और इसमें भी हरियाणा ने सिर्फ 3 स्टेट में इसको लॉन्च किया है, सिर्फ 3 डिस्ट्रिक्ट में इसको लॉन्च किया है, जो है एक है जिंद डिस्ट्रिक्ट, एक है नूह डिस्ट्रिक्ट और एक है यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो जिंद, नू और यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट, ये 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ये अभी स्टार्ट की गई है स्कीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिलायंस नेवल लॉन्च्ड ट्रेनिंग शिप फॉर इंडियन कोस्ट गार्ड नेम्ड ICGS वरुणा, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ RNEL। RNEL इज़ रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग। तो RNEL ने अभी हमारी इंडियन नेवी को एक ट्रेनिंग शिप लॉन्च करके दी है, जिसका नाम है ICGS वरुणा। ये इंडियन नेवी की अब तक की सबसे बड़ी ट्रेनिंग शिप है। तो हमसे पूछा गया है कि जो RNEL है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है गुजरात में, और इसके जो हेड हैं वो हैं अंबानी जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे UTS ऐप टू बुक अनरिजर्व टिकट ऑनलाइन टू गो लाइव फ्रॉम 1 नवंबर। जो UTS ऐप है रिलायंस की फॉर अनरिजर्व टिकट बुकिंग के लिए, वो 1 नवंबर से लाइव होने जा रही है पूरे इंडिया में। तो UTS क्या है? अनरिजर्व टिकटिंग सिस्टम। तो ये जो है UTS ऐप, इसमें एक पर्सन, एक यूज़र मैक्सिमम कितने टिकट्स बुक कर सकता है ऐप के थ्रू? तो एक पर्सन मैक्सिमम 4 टिकट बुक कर सकता है, और इस ऐप को यूज़ करने के लिए 25 से 30 मीटर एरिया में होना ज़रूरी है यूज़र का, रेलवे स्टेशन के 25 से 30 मीटर एरिया में। इससे आप प्लेटफॉर्म टिकट बुक कर सकते हैं, या फिर मंथली पास भी बुक कर सकते हैं, या फिर लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी की टिकट भी बुक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इथियोपिया। तो इथियोपिया की जो फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी हैं वो हैं साहले वर्क जैदे, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? मुलातू तेसोम विर्तू को। ठीक हो, इन्होंने इनको रिप्लेस करके ये बनी है फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ इथियोपिया। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु स्वॉर्न इन एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। ये हमने आज ही पढ़ा है कि श्रीलंका के नए प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? महिंदा राजापक्षे, और इन्होंने किसको रिप्लेस किया है? रानिल विक्रमसिंघे को। ठीक है, तो हमारा सही आंसर होता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिसीव्ड फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज। ये भी हमने आज ही पढ़ा, तो फर्स्ट वर्ल्ड एग्रीकल्चर प्राइज किसको दिया है? प्रोफेसर MS स्वामीनाथन को। और टाइम्स मैगजीन के अकॉर्डिंग 20वीं सदी के ये सबसे 20वीं सदी में ये जो है
इन्फ्लुएंस पीपल में इनको गिना जाता है, ठीक है। और इंडिया में ये तीसरे नंबर पर आता है, इनसे पहले सिर्फ महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर को ही इन्फ्लुएंस पीपल के रूप में गिना जाता है इंडिया की तरफ से, ठीक है। और इनको ग्रीन फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु विल बी द कन्फर्ट विद 2016 टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी। 2016 का टैगोर अवार्ड फॉर कल्चरल हारमोनी किसको दिया गया है? तो 2016 में दिया गया है राम वंजी सुतार को, 2015 का दिया गया है राजकुमार सिंहजीत सिंह को, और 2014 का दिया गया है छाया नॉट को, ठीक है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं ये फर्स्ट इंडियन नोबल प्राइज़ विनर हैं, जिनको 1930 में लिटरेचर के लिए नोबल प्राइज़ दिया गया था। और किसके लिए गया था? इनकी एक पोएम की कलेक्शन थी जिसका नाम था गीतांजलि, गीतांजलि, उसके लिए इनको नोबल प्राइज़ मिला था 1913 में। ये फर्स्ट नोबल प्राइज़ विनर हैं इंडियन, ठीक है। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, राम वंजित सुतार, ठीक है, राम वंजी सुतार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द थीम ऑफ विजिलेंस अवेयरनेस वीक। तो विजिलेंस अवेयरनेस वीक भी मैंने आज ही पढ़ाया है आपको कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनका बर्थडे आता है 31 अक्टूबर को। तो जो 31 अक्टूबर हर साल जिस वीक में आता है उस वीक को विजिलेंस अवेयरनेस वीक के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार ये वीक होगा 29 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, ठीक है। और इस बार की जो थीम होगी वो होगी एराडिकेट करप्शन बिल्ड ए न्यू इंडिया, भ्रष्टाचार मिटाओ नया भारत लाओ, ठीक है। हमारे जो विजिलेंस कमिश्नर हैं वो हैं के वी चौधरी, चीफ विजिलेंस कमिश्नर है के.वी. चौधरी, ठीक है। और जो विजिलेंस कमिश्नर हैं, दो विजिलेंस कमिश्नर हैं हमारे, एक है टी.एम. बसीन और एक है शरद कुमार, ठीक है। तो ये है हमारी अवेयरनेस वीक के बारे में, और इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, एराडिकेट करप्शन बिल्डर न्यू इंडिया, ठीक है। सो गाइज, ये थे हमारे क्वेश्चंस आज के। आई होप आपको ये सेक्शन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको मेरा ये एफर्ट कैसा लगा, आपको ये एमसीक्यू सेशन कैसा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं हर संडे ऐसा ही एमसीक्यू सेशन लेके आऊँ तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि आप ये सेशन चाहते हैं हर संडे, तो मैं आपके लिए हर संडे ऐसा सेशन लेके आऊँगी जो पूरी वीक की जो भी हमने करंट अफेयर्स पढ़ी है उसकी एमसीक्यू क्वेश्चंस को कवर करेगा, ठीक है। उसके लिए आप हमारा जो ये चैनल है स्टडी डीप, इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि जब भी कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसके अलावा जो भी हमारी वीडियोस होंगी उनके लिंक मैं यहाँ पे ऊपर प्रोवाइड कर दूंगी, आप उनके थ्रू हमारी जो बाकी वीडियोस हैं उनको देख सकते हैं या हमारे चैनल पर विज़िट करके भी उनको देख सकते हैं। सो गाइस, मैं आपका वेट करूँगी कमेंट बॉक्स में आपके व्यूज़ का, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना कि कैसा लगा आपको ये, और आप चाहते हैं कि मैं हर संडे ऐसा एमसीक्यू सेशन लेके आऊं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताना, ठीक है गाइस। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।